दोस्तों वायसराय होटल्स के क्यों उनके रिजल्ट आ चुके हैं, तो चलिए दोस्तों रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट आने से पहले लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न दिख रहा है आज के दिन। तो जितनी भी अमाउंट आपको दिख रही है सारी लैक्स में है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये लैक्स में, और यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर के रिजल्ट है, और ये इस क्यू1 के रिजल्ट है, और ये प्रीवियस क्वार्टर के रिजल्ट है यहाँ पर। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी ने जो 3215 लास्ट ईयर कमाए थे उससे घट करके इनकम इस साल 2745 2745 तक हो चुके हैं, और क्वार्टरली वाइज भी इनकम घटी है। तो इनकम कंपनी की दोनों केसेस में घटी है, क्वार्टरली वाइज और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और एक्सपेंस अगर हम देखें तो एक्सपेंस जो लास्ट टाइम 3072 थे वो घट करके 2641 तक हो चुके हैं, और 3300 क्वार्टरली वाइज थे तो उससे भी घट करके 2641 तक हो चुके हैं। तो एक्सपेंस भी थोड़े से घटे हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के, तो दोस्तों ये है कंपनी के नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 130 थे उससे लगभग हाफ से भी ज़्यादा 50% से भी कम इस साल कंपनी ने कमाए हैं इस क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर में तो लॉस ही था कंपनी का। तो आप देख सकते हो लगभग 50% से भी ज़्यादा 60% के आसपास कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट डाउन रहा है आपकी बार। और अगर हम ईपीएस की बात करें तो जो लास्ट टाइम 0.31 था उससे घट करके 0.12 हो चुका है ईपीएस, और लास्ट क्वार्टर में तो नेगेटिव ही था। तो दोस्तों ये थे इस वायसराय होटल्स के क्यून के रिजल्ट। कंपनी ने आज के दिन -2% के नेगेटिव रिटर्न, और 5 दिन में 6% के नेगेटिव रिटर्न, और 6 मंथ की बात करें तो 4% नेगेटिव रिटर्न, और 1 साल में 37% के पॉजिटिव रिटर्न दिया कंपनी ने, और 5 साल में लगभग 67% के नेगेटिव रिटर्न दिए इसने। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो शेयर होल्डर्स बर्बाद हो चुके हैं 97% के नेगेटिव रिटर्न, ऑल टाइम हाई से ये 97% शेयर डाउन है। तो ये एक रिस्की शेयर हो सकता है आपके लिए इन्वेस्ट के लिए,